हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और आज हम अपने वी के जायसवाल बुक की क्वेश्चन आंसर की सीरीज को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपका लेवल 3 का क्वेश्चन 15, जो कि एक पैसेज टाइप क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या बोल रखा है कि पहले क्वेश्चन में बोल रखा है कि विच ऑफ द एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर आर गिवन बिलो कैन नॉट बी एकोमोडेटेड इन द प्रेजेंट सेटअप फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो प्रेजेंट फॉर्म में एकोमोडेट नहीं हो सकता है? तो देखिए, प्रेजेंट फॉर्म में ये जो एलिमेंट सी वाला दे रखा है 126, ये एकोमोडेट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं एकोमोडेट हो सकता है? क्योंकि देखो, हमारे पास मैक्सिमम 118 तक ही रख सकते हैं अभी, क्योंकि यही हमारे पास लास्ट है जो नोबल गैस वाली फैमिली में है। अगर इसके बाद अगर किसी एलिमेंट को एकोमोडेट करना है तो हमें एक और पीरियड बनाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, 118 तक ही रखा जा सकता है। इसके बाद अगर किसी और को लाना है तो एक और पीरियड बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी जो हम पीरियड पढ़ते हैं उसमें हम कितने मानते हैं, 7 पीरियड 18 ग्रुप। तो इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अभी के जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसमें 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स हैं, तो 126 को एकोमोडेट करने के लिए 8th पीरियड इंट्रोड्यूस करना पड़ जाएगा, जो कि है नहीं, इसीलिए इस एलिमेंट को एकोमोडेट नहीं कर सकते। अब देखो क्या बोलता है कि द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 57 बिलोंग्स टू, तो इसका आंसर बहुत आसान है, डी ब्लॉक होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है एफ ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है 58 टू 71, फिर आता है 90 टू 103 ऊपर वाला लेंथेनॉइड, नीचे वाला एक्टिनॉइड्स। तो ये लेंथेनॉइड 58 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन लेंथेनॉइड जस्ट पहले क्या आ जाएगा, डी ब्लॉक आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे वीके जायसवाल के। अगर आपको किसी और क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो उसको आप कमेंट में मेंशन करें, उसका वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।